हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल डिश लेके आए हैं चिकन की, जो है विस्की चिकन करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल, और उसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून कर्ड, यानी कि दही। सिर्फ 1 चम्मच दही चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट वैसे तो आप एज पर योर टेस्ट ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, लेकिन मैं यहाँ ले रहा हूँ फिलहाल 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और उसके बाद इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। और उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। क्या है कि ये कलर भी देगी और चिली का भी स्वाद दे देगी, क्योंकि कई लोग जो है रेड कलर यूज करते हैं वो मैं पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए हम डाल रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके बाद दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। तो मैं यहाँ 600 ग्राम्स, लगभग 600 ग्राम्स यहाँ चिकन है, इसको डालेंगे इसमें और मैरिनेट करेंगे। देख सकते हैं आप, विद बोन चिकन है, बोनलेस की जरूरत नहीं है। 600 टू 700 ग्राम्स के आसपास हो गए, 600 समझ लीजिए। ठीक है, अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो ये दोस्तों अच्छे से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है हाथों की मदद से, आप देख सकते हैं। और अब हम अपने चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, ज़्यादा देर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ आधा घंटा मैं इसे ढक के मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगा दोस्तों। और अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी ग्रेवी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में ले रहा हूँ लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और अब इसमें जाएगी 1 पिंच हींग दोस्तों, 1 चुटकी, और 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा सोटे करेंगे। सोटे हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज थी, जिन्हें मैंने फाइन चॉप किया है। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दोस्तों प्याज हमारी थोड़ी भुन गई है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे भी सॉटे कर लेंगे अच्छे से इसके साथ। और दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टोमेटो है, 1 टमाटर है जो रफली कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, इसको डालेंगे इसमें। और इसे भी हम पका लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, स्वाद नमक जो है स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं नमक, मैं 1/2 टीस्पून डाल रहा हूँ फिलहाल। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं हमारे टमाटरों को कुक होते होते, और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। बस सारे पीसेस को ऐड कर देंगे इसमें। और दोस्तों अब ये चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों 2 मिनट के लिए चिकन मिक्स करने के बाद इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, 2 मिनट सिर्फ, और बाकी टाइम आपको मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। और पहले मैं इसे हाई कर रहा हूँ।
दोस्तों 2 मिनट हो गए, अब फ्लेम को हम लो करेंगे थोड़ा सा, मीडियम पे ले आएंगे वापस। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो दोस्तों मसालों में हम जो है इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें करेंगे कोरिएंडर पाउडर ऐड, और उसके बाद इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। और अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों इसको मैंने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और अब हम इसमें दोस्तों ऐड करने वाले हैं दही। तो दही ऐड करने से पहले हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे। तो फ्लेम मैंने लो कर लिया है, और अब हम इसमें 4 टेबल स्पून कर्ड ऐड करेंगे, बीटन कर्ड। इसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से, और ये जाएगा इसके अंदर। और इसे अच्छे से एक अच्छा सा मिक्स देंगे। दोस्तों फ्लेम को लो पे रखने दें और इसे होने दें। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ यहाँ पे इसे सोक किया था। ये मेरे पास 5 से 6 काजू हैं, और 1 टीस्पून थी चिरौंजी, और 1 टीस्पून मेलन सीड्स, तरबूजे और खरबूजे के बीज थे। इनको मैंने 1 घंटे सोक किया है, और अब हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसका थोड़ा सा पानी निकाल के, देखिए पानी मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा बचा है, और इसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये पेस्ट बन के रेडी है, और अब हम इसको भी ऐड करेंगे अपनी करी में। और दोस्तों ये पेस्ट को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी चिकन करी के साथ। और इसके बाद अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है वो पक जाए। 10 मिनट के लिए इसे कुक करना है। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, और दोस्तों अब मैं इसमें डालूंगा 2 ग्रीन चिली, ग्रीन चिली हरी मिर्च जो लॉन्ग कट की हुई है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ। और मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसका नाम है वो चीज तो डली नहीं रही, कब डलेगी। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, अब हम इसमें डालेंगे विस्की। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये ब्लेंडर स्प्राइट की विस्की है, ये उसका 180 ml की बॉटल है, और इसको अब हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये 600 ग्राम चिकन है, तो इसीलिए इसमें हम 100 ml डालेंगे, लगभग 100 ml, यानी इसमें आधे से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। 600 ग्राम चिकन है, 1 किलो हो तो आप पूरी बॉटल डाल सकते हैं, 180 ml डलेगा। तो फिलहाल इसमें जा रहा है ये 100 ml के करीब। ये देखिए, मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा डाला है, तो 100 ml इसमें चली गई। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। दोस्तों विस्की क्या है ना, आपके फ्लेवर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से एनहेंस कर देती है, और बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा जब ये बनके रेडी होगा, आप देखना। इसमें हम थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और डालेंगे, ताकि इसमें कलर और अच्छा आए। अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे कुक होने देंगे 2 मिनट के लिए। दोस्तों थोड़ा सा कुक हो गया, और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और डालूंगा। क्या है कि ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, बस कलर अच्छा देती है, तो कलर के लिए डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत तीखापन जो करेगी करेगी, और इसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए और ढक देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, और इसे कुक होने देंगे। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी जो है चिकन करी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए,
कलर भी हमारा बढ़िया आ रहा है और चिकन भी हमारा एकदम पक्के तैयार है। ये कितने आराम से टूट रहा है ये देखिए। और अब हम इसमें एंड में ऐड करेंगे दोस्तों गरम मसाला, हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। दोस्तों हमारे जो विस्की चिकन करी है एकदम रेडी है। अब फ्लेम को मैं यहाँ कर दूंगा ऑफ और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर बस, और एकदम रेडी हो चुकी है हमारी विस्की चिकन करी और अब हम इसे सर्व करेंगे।